नमस्कार दोस्तों, 22 अगस्त से गणेशोत्सव प्रारंभ है। सबसे पहले तो आप सभी को इस महापर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं। गणेशोत्सव का जो उद्देश्य था, इसको शुरू करने का, इसे मनाने का जो उद्देश्य था, बहुत ही महान था। हम सब अंग्रेजों के जब गुलाम थे, तब एकत्रित नहीं हो पाते थे एक जगह पर, तो गणेशोत्सव एक धर्म के नाम पर, गणेश जी के नाम पर एकत्रित होना, अपने विचारों को साझा करना, योजनाएं बनाना और इन योजनाओं को जमीन पर उतारना, मीटिंग करना, इसके लिए गणेशोत्सव जो है वो शुरू किया गया। और उसके बाद में एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि ये गणेशोत्सव केवल अंग्रेजों की उन योजनाओं तक ही सीमित नहीं रहा, ये हमारी प्रथा में आ गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात रही। इस गणेशोत्सव के माध्यम से हम सभी समाज जन एक दूसरे से मिल लेते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत ही खुशी खुशी, खासतौर पर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लगे जो भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बड़ी 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 धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जाता है। ऑब्वियसली देश भर में इसकी धूमधाम है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि गणेशोत्सव चूंकि शुरू तो हो चुका है, लेकिन इसका आप ज्योतिषी दृष्टिकोण से और धर्म के दृष्टिकोण से कैसे लाभ ले सकते हैं, कैसे आप माता रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद पा सकते हैं, गणेश जी का आशीर्वाद के साथ साथ किस तरह आप शुभ, अपना शुभ कर सकते हैं, अपना लाभ कर सकते हैं, गणेश जी के द्वारा किस प्रकार से वैभव, विलास, धन, ऐश्वर्य, बुद्धि, सद्बुद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं, तो वो उपाय मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छा संयोग है, बहुत ही अच्छा समय है। देखिए, वर्ष में केवल एक बार गणेशोत्सव मनाया जाता है। कई जगहों पर 3 दिन के लिए, कई जगहों पर 7-8 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, और कई जगहों पर 11 दिन के लिए। सामान्यतः 22 तारीख से ये गणेशोत्सव शुरू होगा और 1 तारीख तक, 1 सितंबर 2020 तक ये गणेशोत्सव चलने वाला है। 1 तारीख को जो है वो अनंत चतुर्दशी होती है और 22 तारीख को, 22 अगस्त को विनायक की चतुर्थी, या फिर जिसे गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है, वो होती है। तो ये जो 11 दिन है, 22 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक ये गणेशोत्सव महापर्व जो है चलने वाला है। और फिर फाइनली जो अनंत चतुर्दशी का या 1 तारीख का जो दिन होगा, उस दिन गणेश जी को फिर अगेन विदाई दे देंगे और अगले वर्ष जल्दी आने की उनसे प्रार्थना करेंगे। लेकिन इस बीच में एक दिन आ रहा है बुधवार, 26 तारीख को, 26 अगस्त को बुधवार का दिन आ रहा है, राधा अष्टमी का वो दिन है। बहुत ही अच्छा संयोग है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही आसान से एक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप वो उपाय करिए और देखिए किस प्रकार से आपको जो है इसका लाभ, गणेश चतुर्थी और गणेशोत्सव, ये जो महापर्व है, इसका लाभ देखने को मिलेगा। क्या उपाय करना है? आपको पता है मेरे उपाय बहुत आसान होते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं होते। जो दुर्वा होती है, दुर्वा एक प्रकार की घास होती है, ये दुर्वा जो गणेश जी पर चढ़ाई जाती है, जो गणेश जी के भक्त हैं या फिर जो धर्म प्रेमी हैं वो इस बात को समझेंगे। जिनको ये नहीं पता, थोड़ा सा आसपास या फिर कहीं पंडित जी या फिर कहीं मंदिर जाकर के पता कीजिए कि दुर्वा क्या होती है, या एक प्रकार की एक घास होती है जिसे कहीं जगह पर द्रोव भी कहा जाता है। दुर्वा जो है वो आप इकट्ठा कीजिए, आपको बहुत आसानी से दुर्वा मिल जाती है। दुर्वा को इकट्ठा कीजिए और 21 दुर्वाओं को इकट्ठा करिए। 21 दुर्वा जब इकट्ठी हो जाएंगी, उन्हें आप जो है बांध लीजिए। 21 दुर्वाओं को इकट्ठा करके आपने जब बांध लिया, अगेन फिर इसी तरह से दुर्वा इकट्ठा करिए, 21 21 21, और उन्हें बांधिए। और 21 दुर्वा को जब आपने इकट्ठा किया तो ये एक हो गया। इसी तरह से 21 आपको जो है वो गांठे बनाना है। आप समझ गए? एक बार 21 दुर्वा को इकट्ठा किया, उन्हें बांधा, दूसरी बार 21 दुर्वा को इकट्ठा किया, उन्हें बांधा, तीसरी बार 21 दुर्वा को इकट्ठा किया, ऐसे 21 बार आपको ये करना है। और इस तरह से 21 गांठे आपको जो है वो मिल जाएगी, 21 × 21। और ये जो 21 दुर्वाओं का जो बंडल आपको मिला है, ये आप जो है ये बुधवार के दिन सुबह के वक्त, सुबह का मतलब मैं कहूंगा यदि 11 बजे के पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम दिन में जब भी आप आरती करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, यदि गणेश जी को आपने घर पर बैठा करके रखा है, उनकी स्थापना की है, तो बहुत अच्छी बात है। किसी वजह से नहीं हो पाती है, हम कहीं बाहर रह रहे हैं, नहीं कर पाए, तो गणेश जी के मंदिर बुधवार के दिन सुबह जाने का प्रयास करें और वहां पर ये जो 21 दुर्वाओं का बंडल है, ये वहां पर उनके सामने आप
चढ़ा करके आए, उनके चरणों में आप जाकर के रख दीजिए, और घर पर हैं तो ऑब्वियसली घर पर आप जो है गणेश जी के सामने ये रख दीजिए। और एक मैं आपको एक पुस्तक या फिर कहूँगा ग्रंथ का नाम बताता हूँ, गणपति अथर्व शीर्ष। जी हाँ, श्री गणपति अथर्व शीर्ष बहुत आसानी से आपको ये मिलेगी, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, दूसरी भाषाओं में भी होगी, लेकिन संस्कृत हिंदी में आसानी से उपलब्ध है। इनका कम से कम एक बार पाठ जरूर करें, 21 बार पाठ कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम एक बार पाठ करें बुधवार के दिन सुबह। यदि इन 11 दिनों में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ख़ास तौर पर जो अष्टमी का दिन है, 26 तारीख का दिन है, बुधवार का दिन है, सुबह का जो वक्त है, देखिए सुबह 11 बजे के पहले आप करते हैं बहुत अच्छा रहेगा, जब से सूर्योदय होते हैं तब से लेकर के 11 बजे तक बहुत अच्छा है। नहीं 11 बजे तक भी कर पाते हैं तो और भी लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह का वक्त बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर। तो आप ये करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, चाहे संस्कृत में, चाहे हिंदी में या फिर आपकी भाषा में, और साथ ही साथ जो दुर्वा मैंने कही थी वो चढ़ाएं, और गणेश जी का प्रिय मोदक, जी हाँ उसे बिल्कुल ना भूलें, प्रिय मोदक भी जो है वो गणेश जी को चढ़ाएं। और जो भी आप चाहते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, निसंदेह आप किसी एग्जाम में सफलता चाहते होंगे, कहीं नौकरी लगना चाहते होंगे, यदि आप बिजनेस करते हैं निसंदेह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते होंगे, यदि आप किसी तरह से बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो निसंदेह अपने स्वास्थ्य के विषय में भला चाहते होंगे, परिवार में कुछ माहौल गड़बड़ है, आप पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ भला चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपकी प्रार्थना है, वो गणेश जी से इस दौरान करें, जब भी आप दुर्वा भेंट कर रहे हैं, दुर्वा चढ़ा रहे हैं गणेश जी को, मोदक चढ़ा रहे हैं गणेश जी को, अथर्वशीर्ष कर रहे हैं गणेश जी के लिए, इस वक्त इस दौरान आप जो है अपनी प्रे अपनी प्रार्थना अपनी विश जो है वो गणेश जी के सामने रखिए, और उनसे प्रार्थना करिए कि वो सारी चीज़ें आपको उनके आशीर्वाद से मिले। निसंदेह गणेश जी जो है वो प्रथम पूज्य हैं, प्रथम पूज्य है, उसी के साथ साथ सिद्धि। सिद्धि का क्या मतलब है? सिद्धि का मतलब यह है कि आप जो भी कार्य करें उसमें आपकी सफलता, यही सिद्धि है। तो आपको सिद्धि चाहिए, जो भी कार्य करते हैं उसमें सिद्धि चाहिए, रिद्धि लाभ, शुभ शुभता चाहिए, लाभ चाहिए, गणेश जी सारी चीज़ों को आपको दे सकते हैं। तो निसंदेह गणेश जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सारे ऐश्वर्य, वैभव, विलास, धन, खुशी, संपत्ति, अन्नपूर्णा, बरकत, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो उनसे प्रार्थना करिए, बुधवार का बहुत अच्छा दिन है। केवल यही बताने के लिए आज का ये वीडियो मैंने आपको बनाया था, बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और मेरा विश्वास है कि आप इसे फॉलो करेंगे और आपको बहुत अच्छे, बहुत शानदार फल देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपका उद्देश्य है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा, नमस्कार।